दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है और यही इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। इसी प्रकार हम इंसान, हमारे धरती या हमारे संसार का अंत भी निश्चित है, लेकिन यह अंत किस तरह और कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि भविष्य को ना तो कोई जानता और ना कोई जान सकता है। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन ग्रंथ और हमारे आधुनिक विज्ञान इसके बारे में जवाब जरूर देते हैं, परंतु उनमें भी काफी खामियां हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनमें ही पृथ्वी के अंत का राज छुपा हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पृथ्वी के अंत के बारे में। उससे पहले, अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाते रहेंगे। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म में पृथ्वी के अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है कि हिंदू धर्म के ग्रंथ के अनुसार चार युग होते हैं, जिनके नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वारपा युग और कलयुग है। और अभी कलयुग चल रहा है और इसी युग के अंत में धरती का अंत होना तय है। दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु इस धरती पर कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। इस समय धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, मनुष्य पहले से ज्यादा क्रूर और अत्याचार होंगे। इसके बाद धीरे धीरे इंसानों का अंत होता जाएगा, फिर शुरू होगी धरती पर प्रलय की। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में सूर्य का ताप अपनी चरम सीमा पर होगा। उस समय गर्मी इतना बढ़ जाएगी कि समुद्र, नदियाँ, झरने, तालाब सभी सूख जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधे राख हो जाएंगे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही होगी, ना तो कोई जीव जिंदा रहेगा और ना ही कोई इंसान। फिर इसके कुछ वर्षों बाद भारी बारिश होगी। ये बारिश इतनी तेज और भयंकर होगी कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उसके बाद पृथ्वी सिर्फ एक पानी का एक गोला बन जाएगी। वेल, ये तो हो गया प्राचीन ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी का अंत कैसे होगा। अब जरा सुनते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जिसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले दुनिया के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया के खात्मे को इस तरह से बताया था। इनका कहना था कि अगर मनुष्य ऐसा सोचता है कि वो इस धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तो ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस पृथ्वी का अंत भी एक दिन निश्चित है। दोस्तों, न्यूटन एक महान साइंटिस्ट थे। इनके द्वारा कही और लिखी गई हर एक बात अपना एक महत्व है। न्यूटन अपने गणनाओं के अनुसार धरती का अंत कब होगा इस सवाल का जवाब दिया था। इनके अनुसार साल 2060 से धरती का विनाश की शुरुआत होगी। इसके बाद एक दिन पूरी इंसानी सभ्यता और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अब सुनते हैं स्टीफन विलियम हॉकिंग से। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने धरती के अंत को लेकर अपने कुछ विचार इस तरह से दिए हैं। इनके अनुसार इंसानों की हुकूमत की होड़ ही इंसानों के विनाश का कारण बनेगी। दोस्तों, अभी प्रत्येक देश के पास एक से एक खतरनाक आधुनिक हथियार है, जो कुछ ही पल में पूरे पृथ्वी का विनाश करने की ताकत रखते हैं। भविष्य में अगर थोड़ी सी भी नोकझोंक होती है तो कई देश अपने बचाव के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा आने वाले हजारों वर्षों में पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर इंसान वाकई जिंदा रहना चाहता है तो उन्हें 1000 वर्षों के समय में रहने लायक ग्रह की खोज करनी होगी और उस पर इंसानी बस्तियां बसानी होगी। दोस्तों, आज की दुनिया विज्ञान की दुनिया है, इसलिए विज्ञान द्वारा दिए गए प्रत्येक सिद्धांत के अपने मायने हैं। विज्ञान कहीं ना कहीं हर सवाल का लगभग सही उत्तर देती है, जैसे पृथ्वी का अंत कैसे होगा। इस सवाल के सबसे संतुष्ट जवाब हमें विज्ञान ही देता है। वैज्ञानिकों ने धरती के अंत से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से पृथ्वी के अंत के बारे में बताया है, जैसे क्षुद्र ग्रह से टकराना, पृथ्वी के कोर का ठंडा होना, ब्लैक होल में समा जाना आदि शामिल है। इसीलिए इनमें बताई गई बातें कभी भी सच हो सकती है। सबसे पहले है एस्टेरॉयड, जिसे पृथ्वी से टकराने की प्रक्रिया या संभावना सबसे ज्यादा है। एस्टेरॉयड एक ऐसा खगोलिक पिंड है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है। दोस्तों, आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे जीव का अंत भी एक एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। ये टक्कर इतने जबरदस्त थी कि जब यह धरती से टकराया तो वहाँ 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हुई कि कुछ ही मिनटों में धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसे धीरे धीरे धरती पर डायनासोर का अंत हो गया। दोस्तों, अभी कुछ वर्षों पहले 1998 में एक 200 फीट चौड़ा एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था। इस एस्टेरॉयड से इतनी गर्मी पैदा हुई जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा थी। दोस्तों, 1419 में चीन के चिंगयांग में एस्टेरॉयड की टक्कर से तकरीबन 10,000 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, एस्टेरॉयड से टक्कर की संभावना इसलिए
इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि कूपर बेल्ट में तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा एस्टेरॉयड मौजूद है जिनका आकार 50 मील से भी ज्यादा है। दोस्तों हर साल सैकड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड पृथ्वी के कक्षा के नजदीक से निकलते हैं लेकिन इनके मार्ग की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है और अंतरिक्ष में इनकी रफ्तार काफी अधिक होने के कारण इनका मार्ग कभी भी बदल सकता है। डायनासोर के अंत के कारण बना एस्टेरॉयड पहले चांद की तरफ बढ़ रहा था लेकिन अंतिम समय में उसने अपना रुख धरती की तरफ कर लिया था। नंबर 2 डेड प्लेनेट। दोस्तों एस्टेरॉयड की तरह लावारिस ग्रह भी पृथ्वी के लिए कभी ना कभी खतरा बन सकते हैं। ये वो ग्रह होते हैं जो अपने सौरमंडल से किसी कारणवश अलग हो जाते हैं जिसके बाद ये किसी दूर ब्रह्मांड में अकेले भटकते रहते हैं। तब इनकी ना कोई पहचान होती है और ना ही इनका कोई निश्चित स्थान, इसलिए वैज्ञानिक ऐसे ग्रह को लावारिस ग्रह भी कहते हैं। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक छोटे लावारिस ग्रह एक बड़े ग्रह से टकराया था। इसी टक्कर के कारण उस ग्रह के दो भाग हो गए थे जिसमें से एक पृथ्वी बनी और दूसरा उसका उपग्रह चांद। दोस्तों ऐसे ही लावारिस ग्रह अरबों खरबों की संख्या में हमारे पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इन ग्रहों की कोई निश्चित जगह नहीं है इसलिए ये कभी भी किसी भी सौरमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। ये ग्रह अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु से टकरा सकते हैं। हालांकि इनके धरती से टकराने की संभावना बहुत कम है लेकिन फिर भी ये कभी भी खतरा बन सकता है। नंबर 3 ब्लैक होल। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा विशालकाय दानव है जो हर वस्तु को निगल लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। ये अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक वस्तु को ऐसे निगलता है जैसे मानो उस वस्तु का कभी इस यूनिवर्स में कोई अस्तित्व ही नहीं था। दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसमें भौतिकी का कोई भी नियम काम नहीं करता है। इसका ग्रेविटी बल इतना ही शक्तिशाली होता है कि ये अपने आसपास के प्रत्येक खगोलीय पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है। एक बार इसमें किसी भी पिंड के समाहित हो जाने के बाद फिर से वापस निकलना नामुमकिन है। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में लावारिस ग्रह की तरह ही लावारिस ब्लैक होल भी घूमते रहते हैं। जिस तरह लावारिस ग्रह किसी भी सौरमंडल में प्रवेश कर सकते हैं उसी प्रकार ये दानव भी प्रवेश कर सकता है। नंबर 4 गामा रे विस्फोट। दोस्तों गामा रे विस्फोट हमारे यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। गामा रे विस्फोट एक तारे के खत्म होने पर होता है। एक छोटा सा विस्फोट भी इतना ऊर्जा पैदा करता है जितना हमारे सूर्य अपने जीवन काल में करता है और इसी विस्फोट से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली होती है। गामा किरणें किसी भी ग्रह को नष्ट करने की क्षमता रखती है। ये अपने मार्ग में आने वाले किसी भी वस्तु को तहस नहस कर सकती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर वस्तु इसके संपर्क में आने पर अपना वजूद खो देती है, यहाँ तक कि एक सूक्ष्म परमाणु भी इसके चपेट में आने पर नहीं बच सकता। हालांकि अभी कोई गामा विस्फोट करने वाले तारे पृथ्वी के नजदीक नहीं है लेकिन फिर भी भविष्य में इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 440 मिलियन साल पहले गामा किरणों के धरती से टकराने के सबूत मिले हैं जिसमें कहा गया है कि उस विस्फोट ने एक बार धरती पर जीवन को नष्ट कर दिया था। नंबर 5 धरती के कोर का ठंडा होना। दोस्तों धरती का अंत हमारे यूनिवर्स से आने वाले हर वस्तु से नहीं बल्कि खुद धरती के अंदर से भी हो सकता है। पृथ्वी एक सुरक्षा चुंबकीय कवच से घिरी हुई है जो पृथ्वी को एक क्रम में बांधे रखती है और इसी सुरक्षा कवच को मैग्नेटस्फीयर भी कहा जाता है और इसी मैग्नेटस्फीयर के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दोस्तों इसका निर्माण अवेशित और पिघलते हुए लोहे से होता है जो पृथ्वी के आंतरिक कोर में होता है। इस कोर का तापमान काफी अधिक होता है और इसी गर्म के कारण मैग्नेटोस्फीयर की उत्पत्ति होती है। दोस्तों मैग्नेटोस्फीयर सूर्य से आने वाले खतरनाक किरणों और सौर पवनों को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है लेकिन अगर धरती की ये कोर ठंडी हो जाती है तो इसमें मैग्नेटोस्फीयर नष्ट हो जाएगा। मैग्नेटोस्फीयर नष्ट हो जाने से धरती का वायुमंडल नष्ट होना शुरू हो जाएगा जिससे कुछ ही समय में धरती अपने वायुमंडल खो देगी और वायुमंडल के बिना धरती बेजान है। नंबर 6 सूर्य का अंत। दोस्तों सूरज का अंत भी एक दिन निश्चित है। आज जिस सूरज से इस धरती पर जीवन का वजूद है वही सूरज आने वाले समय में हमारे धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे सूरज अपने जीवन काल के मध्य में है यानी सूरज की आधी आयु बीत चुकी है। सूरज अब बहुत तेजी से अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। सूर्य इस प्रक्रिया को सलयन अभिक्रिया की मदद से पूरा कर रहा है लेकिन आज से अरबों साल के बाद जब सूरज के पास हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो वो हीलियम को सलयन करना शुरू कर देगा। इससे इतने अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो सूर्य के परतों को बाहर की तरह धकेलना शुरू कर देगी। इस तरह से सूर्य फैलने लगेगा और वो अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक पिंड को अपने तप से भस्म कर देगा। इसी क्रम में हमारी पृथ्वी भी एक दिन सूर्य में समा जाएगी जिससे पृथ्वी का वजूद मिट जाएगा। अगर सूरज फैलता हुआ धरती को अपने अंदर नहीं निगलता है तो वो इसे अपने कक्षा से बाहर धकेल देगा जिसके बाद पृथ्वी एक लावारिस ग्रह बन जाएगी। फिर
फिर वह दूर किसी यूनिवर्स में भटकने लगेगी और किसी दिन किसी से टकराकर नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आखिरकार हम मनुष्य और यह पूरा संसार कब तक रहेंगे। यदि आप लोग भी इस बात को गहराई से सोचेंगे और जो भी साइंटिस्ट और महान लोगों ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी का विनाश कब होगा, तब ये सुनकर मन बिल्कुल उदास हो जाता है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये तो पक्का है कि पृथ्वी का अंत भविष्य में अवश्य होगा। और अगर किसी कारणवश पृथ्वी का अंत नहीं होता है तो ये तो पक्का है कि मनुष्य पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, या तो हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह बंजर पड़ जाएगी। दोस्तों, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम भविष्यवाणी या महान लोगों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि भविष्य के बारे में ना सोचे और वर्तमान में जीने की कोशिश करें, क्योंकि यही अपने जीवन में जीने की सही तरीका होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।